मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है माउनो कंपनी का AU100 मॉडल का कॉलर माइक, और बता दो दोस्तों ये स्मार्टफोन पे भी लग जाता है, कैमकॉर्डर पे भी लग जाता है, आपका पीसी में DSLR हर जगह लग जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इसका जो ट्रांजिस्टर टाइप है और पोलर पैटर्न है सब कुछ पीछे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह सब कुछ पीछे दिया है, आप इसको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। इसकी पैकेजिंग जब मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा इसी तरीके से पैकेजिंग में आया था, एक डब्बा इसके ऊपर था, खैर वो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के कारण पहले से ही खोल दिया है, और कुछ इस तरीके का लुक में आता है। जब इसको आपको निकालना है, सिंपल से इसको आगे की तरफ ढकेलिए और निकल आएगा। इसका क्लिप वगैरह इसके साथ मिलता ही है क्योंकि ऑब्वियसली कॉलर माइक है। और इसका बिल्ड क्वालिटी की बात मैं करूँ तो मेरे पास बोया का भी माइक है और बोया का कॉलर माइक भी है और फीफाइन का T3732 माइक भी है, तो उस हिसाब से जो बजट रेंज है ये 1000 के अंडर का, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। ये जो साउंड है ये आप जो इस वीडियो में सुन रहे हो, मैंने स्पेशली इसको वॉइस ओवर करके इसी के माइक से बनाया है। ठीक है, क्योंकि मैं एक शांत रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसके वॉइस की क्लैरिटी पता चल जाए। ठीक है, बाकी जो केबल की लेंथ है, बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसका जाली वगैरह दिखा देता हूँ कि एक छोटी सी जाली है। ठीक है, और काफ़ी प्रीमियम लुकिंग इसका माइक्रोफोन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ माउनो कंपनी की ब्रांडिंग हर जगह है। ठीक है, और बता दो इसकी क्वालिटी में मैं बार बार कहूँगा, वायर की क्वालिटी में भी बहुत अच्छा खासा है और लेंथ वगैरह भी दिया हुआ है। USB 3.5 जैक दिया हुआ है, साथ ही साथ एक और ऑक्स केबल टाइप का जैक दिया हुआ है, शायद ये बड़ा ऑक्स केबल है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग से दिया हुआ है, और ये है क्लिप जिस पर आप कॉलर की तरह यूज़ करेंगे कॉलर में लगाने के लिए, और माइक को फंसाना पड़ेगा आपको। सिंपल से मैं दिखा दूँ माइक को लगाने के लिए, सिंपल सा आपको इसे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ से प्रेस करिए और ये पुश करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा और सेंटर में एक गैप होगा तो वहाँ पर लाके आपको बस रख देना है। ठीक है, और छोड़ दीजिए क्लिप, आपका काम हो गया। फ़ायदा इसका ये है कि आपको ना ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस माइक की यही खास बात होती है, डायरेक्ट लगाओ, प्लग एंड प्ले, काम ख़त्म। ठीक है, और ये इसके साथ इसका फोम दिया गया है। मैं बता दूं दोस्तों, फोम के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोम लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा मतलब एयर वगैरह का नॉइस कैंसलेशन करने के काम आता है। बहुत ही रेयर मतलब इसका यूज़ है, कहने का मतलब है आप नॉइस कैंसलेशन का यूज़ जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता ये सब क्वालिटी के माइक में अंडर 1000, जो महंगे माइक होते हैं। ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह के लिए उनमें आपको इस टाइप का चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका नॉइस कैंसिलेशन के काम आएगा। इसमें केबल की जो लेंथ है वो 6.00 mm है। ठीक है, और 20 फीट मैं कह दूँ, सॉरी mm तो नहीं, 20 फीट की है माइक्रोफोन का जो केबल लेंथ है, और काफ़ी अच्छी बात है। और 2400 रुपये की MRP दी गई है, 499 की, लेकिन ये मुझे अंडर 1000 ही पड़ा है। और फिलहाल देखते हैं, ये है मेरा बोया का माइक जो कंडेंसर माइक है, और ये डायरेक्शनल माइक भी है। ठीक है, और इसका भी मैंने जुगाड़ से अपना ट्राइपॉड में लगाने के लिए कर रखा है, और मैं बहुत सारे माइक यूज़ करता हूँ क्योंकि व्लॉगिंग भी करता हूँ, अनबॉक्सिंग रिव्यू करने के लिए मेरे पास होना चाहिए अलग अलग तरीके के माइक्स वगैरह। और बोया का मेरे पास कॉलर माइक भी है, मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको बहुत बहुत कम यूज़ करता हूँ, सेम माइक है आपका मनाओ की तरह, लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने मनाओ का नाम ज़्यादा सुना है माउनो का, और बोया उससे पीछे है, लेकिन मैं पर्सनली पहले की जो मेरा थिंकिंग थी कि बोया कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जब प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता चल चुका है कि बोया कंपनी काफ़ी पीछे है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मेरे पास जो प्रीमियम क्वालिटी का इस समय मेरे पास जो माइक है मेरे बजट के हिसाब से अंडर 3000, तो वो ये वाला माइक है जिससे मैं सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, T732 माइक्रोफोन किट ये जो यूज़ करता हूँ, इसमें आपका पॉडकास्ट वगैरह सब हो जाता है, ये एक USB माइक है। अगला वीडियो इसी पे होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।